व्यापारी के बेटे को होटल की छत से नीचे फेंका, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। आपको बताते चले कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र के होटल रेडिसन में बीती 20 अप्रैल को ही घटना को लेकर व्यापारी समाज के लोग एसएसपी से मिले। इन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। एसएसपी ऑफिस पहुंचे व्यापारियों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल का बेटा सार्थक बीती 20 अप्रैल को होटल रेडिसन में गया हुआ था। वहां रिधिम अरोड़ा पुत्र सतीश अरोड़ा और सती अरोड़ा के उसके एक मंजिल पूरा मारपीट कर जान से मारने के इरादे से धक्का दे दिया, नीचे फेंक दिया, इसमें बुरी तरह गंभीर हो गया। मारपीट करने के लोग शराब के नशे में धुत थे। इसके बाद उसके निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रिधिम अरोड़ा सिद्धि अरोड़ा धारा 307, 323, 504 के तहत इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया, मगर इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। इतनी बड़ी घटना अंजाम देने पर आरोपी लगातार खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपी गिरफ्तारी होने के चलते व्यापार मंडल ने लोगों के घायल सार्थक अग्रवाल के पिता संजय अग्रवाल से एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपी गिरफ्तारी की मांग की। भैया, जैसा कि अभी हमारे महाराज शुक्ला जी ने, रामकृष्ण शुक्ला जी ने बताया प्रकरण, तो एक सभ्य समाज में इस तरीके की दुर्घटनाओं को, इस तरीके की प्रकरण को कभी माफ़ नहीं किया सकता। जैसा कि हमारी इस समय भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, आज की डेट में बड़े बड़े क्रिमिनल जो भागे भागे फिर रहे हैं, और इस तरीके का एक सफ़ेदपोश आदमी इस तरीके की बच्चों के संग जो घटना करता है, तो ये बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। और इस तरीके का जो प्रकरण करेगा उसे सरकार की तरफ से, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम प्रशासन के पास आए, पुलिस के पास गए, हमने शिकायत करी, और इस प्रकरण में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चे को और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक द्विवेदी, मैं महामंत्री हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से। व्यापारी आज मिलने के लिए आए हैं, क्या घटना हुई? घटना देखिए, ये हमारे संजय जी, संजय अग्रवाल जी हैं, इनके बेटे साथ होटल रेडिसन में जो धक्का मार दिया था, तो मेरा मानना ये है, घटना नहीं है, ये अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, और इसी को लेकर हम यहाँ पे एसएसपी महोदय के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत उसकी गिरफ्तारी करेंगे और ऐसे आपराधिक लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भेजा है। हमने ऐसी मांग की है, हमें आश्वासन मिला, हम उन्हें गिरफ्तारी कर जान लेने की कोशिश की, जानलेवा ही हमला है। उसके बाद जब उसको गिरा दिया, ये तो इत्तेफाक है कि वो सिर के बल नहीं गिरा, अगर सिर के बल गिरे होते तो हो सकता है, मतलब और अधिक दुर्घटना होने के चांस है। उस ऊपर से फेंकने बाद भी, नीचे आने बाद भी उसको मारा, और मतलब तमंचा तक निकाल के उसको जान से मारने की कोशिश की। देखिए, 20 तारीख की ये घटना है, और हमारे संजय अग्रवाल जी महानगर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका पुत्र सार्थक अपने दो मित्रों के साथ रेडिसन होटल में एक समारोह में गया था। वहाँ पर जनकपुर निवासी सतीश अरोड़ा और उनका पुत्र रिधिम, इन लोगों ने मारपीट करते हुए उसको रेडिसन होटल की पहली मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, गिरा दिया जान से मारने की नीयत से, और फिर उनके सार्थक के एक मित्र हैं उनको भी नीचे गिराने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ी निर्दयी घटना है, और आज हम यहाँ पर कप्तान साहब से मिलने आए थे और यहाँ मिलकर घटना की पूरी जानकारी दी। अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, हमने निवेदन कराया कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको जेल के पीछे डाला जाए। योगी सरकार हमारी ऐसी सरकार है जो अपराधियों को जेल में डालने का काम करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज उसी क्रम में एक बड़ी घटना ये बरेली शहर में हुई है, सारे व्यापारियों में रोष है, दुख है, गुस्सा है, और हम यही मांग करते हैं कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी और जेल के पीछे उनको भेजा जाए। मैं संजय अग्रवाल, व्यापारी सुरक्षा फोरम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मेरे बेटे के साथ में ये दुर्घटना हुई है। मेरा बेटा 20 तारीख को होटल रेडिसन में, ब्रसूरी ड्राई फ्रूट्स मर्चेंट हैं, उनके भाई के रोके में गया था। वहाँ पे ये रिधिम अरोड़ा और उनके फादर सतीश अरोड़ा जी ने नशे में धुत होकर मेरे बेटे को मारा पीटा और उसे उठा के रेडिसन की फर्स्ट फ्लोर से, रेडिसन होटल के फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया, जो कि 25 फीट है, और उसके बाद भी नीचे जाके वो मेरे बेहोश बेटे को मारते रहे लात घूसों से, और पिस्टल निकाल ली कि हम इसे मार के ही जाएंगे, जबकि वो मेरा बेटा कभी भी उनसे ना तो कभी मिला था, ना वो जानता था, वो तो पैर छू रहा था। पैर छूने के बाद भी उसको इतना मारना पीटना, और ये खुलेआम घूम रहे हैं ऐसे जानवरों को, जो जितनी जल्दी इसको पुलिस को पकड़ के अंदर करें, जैसे कि हमारे सब बच्चे सुरक्षित रहें। अब
अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसी के संबंध में हम कप्तान साहब के पास में आए थे कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई करके इन सबको गिरफ्तार करा जाए, जिससे कि हम सुरक्षित महसूस कर पाए। मेरा बेटा SRMS हॉस्पिटल में भर्ती है, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, ना बोल पा रहा है ना है, शरीर पूरा शरीर जो है मल्टीपल फ्रैक्चर से ग्रसित है। भगवान से प्रार्थना है कि जितनी जल्दी वो ठीक हो जाए और इन दुष्ट लोगों को जितनी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दे और उन पर उचित कार्रवाई करे, जिससे कि किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा ना हो।